अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, इमरान भाई के यहाँ से हम लोग सेकंड वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी माशाल्लाह बहुत ही हैवी अंडुल बकरे आपको देखने मिलेंगे। इसमें एक सोजत है और एक कोटा बकरा है। हम सोजत के कुछ और क्लिपिंग्स लेंगे इन स्लो मोशन, ताकि आपको ये बकरा अच्छे से दिख पाए। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल्स दे दूँगा। ये दोनों बकरे जो काफ़ी गुलाबी बकरे हैं, पर जैसे आप सबको पता है बारिश की वजह से ये आपको थोड़े साफ नहीं दिखेंगे, लेकिन ये काफ़ी गुलाबी है क्योंकि मैं देख रहा हूँ नेकेड आइज से माशाल्लाह। और सोजत बकरा काफ़ी हैवी बकरा है। सो इमरान भाई से हम लोग पहले डिटेल्स लेंगे, फिर ये बकरे हम आपको छोड़ के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। इमरान भाई, सबसे पहले सोजत बकरे की बात करते हैं, इसके क्या डिटेल्स हैं? देखो सोजत तो मैं तो सोजत नहीं बोला क्योंकि पतीरा में ही है, पतीरा में पूरा गुलाबी है, पूरा गुलाबी जी। और दरअसल सोजत आते हैं थोड़े छोटे में जी, ये तकरीबन ऊंचे में इन्हें हाइट इसकी ज्यादा है, तकरीबन 39.5 की हाइट है। 39.5 की इसकी हाइट है। स्पॉटलेस है, अभी जैसे पतीरा होते है वैसे ही है ये जी, कोई स्पॉट कहीं पे कुछ भी नहीं है जी। तो हमने तो स्पॉटलेस वाइज समझ के ही खरीदा है उसको, जिसे खरीदा था उनके पास सिर्फ पतीरा ही थे जी। अभी ये 6 दांत पे और डबल पंच है जी। तो चेहरा जो होता है प्रॉपरली जो सोजत का होता है जी, देखिए हाथ जितना है जी, तो ये हम देख के खरीदते हैं जी। अभी इसका पंच है माशाल्लाह, और वेट लगभग लगभग ये 90 kg या 90 kg प्लस रहेगा। लास्ट मंथ हमने किया था, ऐसा नॉर्मल देखने पे तो लगेगा कि 100 kg के ऊपर है। हाँ नहीं, शायद बाल की वजह से इसका हर महीने। हाँ। तो अभी अराउंड ये 90 प्लस तो है, 90 प्लस है। हाँ जी, अभी ये फिलहाल तो खराब है क्योंकि बरसात में और पेशाब की वजह से जी, क्योंकि काफी गर्म है ये, अदरवाइज है पूरा गुलाब जी। एंड क्योंकि आपका ब्रीडिंग सेटअप भी, आपने इसे ब्रीडिंग ली है? हाँ, इसे अभी तो देखिए ब्रीडिंग नहीं की है, लेकिन इसके लिए हमने 2 फीमेल्स रखी है, काफ़ी बड़ी है जी, हमने उसके हिसाब से ही खरीदी है 2 फीमेल्स जी, वो उसे हम ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप ये बकरा देख सकते हैं माशाल्लाह, जैसे इमरान भाई बता रहे थे काफ़ी स्पॉटलेस बकरा है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा, इनका फार्म मुंबई से करीब में है, रेलवे स्टेशन जो वांगनी का है उससे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। डायरेक्ट ट्रेन इज़ अवेलेबल फ्रॉम मुंबई, CST जो लाइन है सेंट्रल लाइन से आप इजीली यहां पर आ सकते हैं। 90 प्लस वेट पे भी इसका एक्टिवनेस देख सकते हैं आप। ओप्स, बारिश आ गई है तो हम लोग वीडियो भी अंदर ही कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, बारिश के वजह से हम लोग अभी अंदर आ गए, सो अभी बाकी का बचा हुआ वीडियो इंडोर शूट करेंगे हम लोग। थोड़ी लाइट कम होगी, लेकिन क्वालिटी वाइज जो भी है मैं आपको बताऊंगा। ये बकरा बहुत ही माशाल्लाह एग्रेसिव भी है, खूबसूरत है, पंच फेस में है, स्पॉटलेस है। सो इमरान में हम लोग वीडियो यहीं कंटिन्यू करेंगे। सो मैम, मैं पहले ये पतीरा बकरे के बारे में, जैसे 90 प्लस है ये, अच्छी हाइट है, कितने में सेल करना है आपको? भाई देखिए, अभी अगर सही कीमत मैं बोलूँ जो देने वाली बात रहेगी, इंशाल्लाह अराउंड 75-80,000 के बीच में इंशाल्लाह हम सेल करेंगे। अच्छा, अराउंड लाइक 80 नेगोशिएबल में आप सेल कर दोगे इसको? 80 देखिए, मैं कोटो कर रहा हूँ ज़्यादा करके 80 जी, 75-80 के बीच में जो इंशाल्लाह आएगा बिस्मिल्लाह कर जी। और आपके हिसाब से इसको ब्रीडिंग के लिए रख सकते हैं अभी? हाँ हाँ, डेफिनेटली भाई, ये ब्रीडिंग के हिसाब से मेरे ज़्यादा करके जितने जानवर है वो सब ब्रीडिंग पर्पज़ से ही खरीदे जी। जैसे वो दोनों दोदापरी भी है, वो ब्रीडिंग पर्पज़ से ही खरीदे गए जी, और दोनों दोदापरी का एज भी अभी ज़्यादा नहीं होगा, 4 दांत अभी उन्होंने किए हुए। सही है। अब ये देखिए, ये 2 दांत पे, ये कोटा की हम लोग बाहर भी देख रहे थे। हाँ हाँ, तो ये एकदम गुलाबी है। हाँ, ये सर गुलाबी है ना, लेकिन क्योंकि खैर उसका चेहरा ऐसा खराब है, कलर भी ये अभी 2 दांत पे जी। और वेट कितना होगा? वेट इसका लगभग हमने जब लास्ट टाइम 1 महीने पहले जब इसको वेट किए थे, अराउंड 67-68 kg पे। ओके, तो अभी शायद अलहमदिल्ला अराउंड 70-70+ है। ठीक है। और ये बकरा कितने में सेल करना आपने? अभी ये तो देखिए, ये थोड़ा सा प्राइस फिलहाल इसका डिसाइडेड नहीं है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके, अगर अभी कोई ये शौक वाली चीज़ है यानी। अच्छा। क्योंकि जिस हिसाब से है ये अभी 39 या 39+ की हाइट होगी जी। इसके दांत में दिखाता हूँ, दांत देखिए
एकदम फ्रेश दूध आता है, अभी किया है दूध माशाल्लाह। सो अगर किसी को लेना हो तो इमरान भाई से कांटेक्ट कर लें बकरे के लिए, चाहिए तो मुझे कॉल करिए। लेकिन थोड़ा प्राइस इसीलिए नहीं है क्योंकि एक तो पूरा गुलाबी है जी, और ऐसी क्वालिटी बहुत रेयर मिलती है कोटा में, या तो फिर आप ब्रीडिंग के लिए रखिए या तो आप शौक से पालिए जो आपको ठीक लगे जी। इमरान भाई जैसा आप मेरे को बता रहे थे कि ट्रेडर्स के लिए भी आपने बहुत बकरे बेचे हुए हैं, सो कौन सी ब्रीड बेचते हैं आप? देखिए एक सेगमेंट है हमारा इंशाल्लाह, वो हम कवर अप करने वाले, अभी हमने स्टार्ट किया खसी जी, तो मैं अभी राजस्थान में था काफ़ी दिन से जी, तो खसी बकरों में हमने एक 45 केजी से लेके 55-60 केजी तक का जो वेट होता है, जो कुर्बानी के फर्स्ट चॉइस होती है जी, कुर्बानी में लोग प्रेफर करते हैं बकरी ईद में, हमने वहाँ से अभी काम शुरू किया और ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 100+ तक के हमने सोल्ड भी कर दिए डायरेक्टली फ्रॉम राजस्थान जी। तो अगर किसी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई ट्रेडर है, कोई बायर है, किसी को लेके बेचना हो आगे जी, या फिर किसी का फार्म है उनको वहाँ पे खरीद के फिर आगे देना हो, या कुर्बानी पर्पज से है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि कैसा रहता है, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं परचेसिंग में जी, हम खरीदते हैं बेसिकली एंड देन वी सेल इट आउट, उसके बाद हम ज़्यादा करके बेचते हैं जी। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो आपका भी एक मार्कअप हो जाता है उसको? मार्कअप तो देखिए ऐसा है क्योंकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ जी, मैं बेसिकली खरीद रहा हूँ और मैं बेच रहा हूँ जी। तो मसला ये रहता है कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल आप ऐसे जाते हो मार्केट में, वहाँ से ढूंढते हो, करते हो, तो रिस्क फैक्टर बहुत होता है जी। अभी जैसे रिसेंटली एक किस्सा भी हुआ था जी, अगर मैं बताना चाहूँगा उसके बारे में, एक बकरे की पट्टी थी वो तकरीबन 5 से 6 लोगों को बेची गई जी। अब उसमें ऐसा होता है कि आदमी एक उम्मीद में आता है बकरा खरीदने के लिए जी, कि उसको हिसाब में मिल रहा है जी, लेकिन फिर उसको ये नहीं पता है कि वो आज रकम लगा रहा है, कल को वो बकरा पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि सब ऐसे होते हैं नहीं, पर लेकिन कभी कभार धोखे भी होते हैं और कई हो चुके। और जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स वगैरह, मैं तो एक में भी नहीं हूँ इंक्लूडेड, कोई कोई करता है फिर मैं उसको एग्जिट कर देता हूँ ऑन द स्पॉट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट्सएप का तो देखिए मैं एक चीज छोटी सी बात है मैं इतना बोलूँगा उसके ऊपर, जो बकरा नॉर्मली बिक जाता है ना वो कभी व्हाट्सएप पे नहीं आता ग्रुप। सही बोला। और अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में आ रहा है इसका मतलब वो बकरा शायद बिका नहीं है जी। और ऐसा नहीं कि बकरे में कोई खामी होती, कभी कभी ऐसा होता है कि उस टाइम पे मार्केट की रिक्वायरमेंट कोई और चीज़ की होती जी, तो ज़रूरी नहीं आप जो चीज़ लेके दे रहे हो उस वक्त पे ज़रूरी है कि आदमी की वही रिक्वायरमेंट है वही खरीदना। और ऐसा भी देखा गया है जैसे मेरी चीज़ है, मैंने आपको फ़ोटो भेजा तो आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया अपना बता के, फिर उसने भी डाल दिया कोई और ग्रुप में अपना बता के, तो ये काफ़ी चल रहा है ये, तो मैसेज क्या होगा लोगों के लिए? देखिए मैसेज तो मैं ये बोलूँगा, ज़्यादा करके आप जिनसे बकरा खरीदते हैं जी, बकरा अगर उनकी जगह पे होना तो बकरा उनका जी, ये मान के चलिए। सही है। और अगर बकरे का फोटो या वीडियो लगा के तो हर कोई बेचता है, क्योंकि बहुत सारे आजकल ऐसे भी है जी, मैंने बहुत कम देखा, जैसे आपका एक चैनल है और 2-3 और चैनल है जो बेसिकली खुद विजिट करते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं जी। मैं तो नॉर्मली यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी है जहाँ पर मैंने समझो किसी को वीडियो दे दी जी, वो भाई साहब ने किसी और को वीडियो दे दी और बोल दिए मेरे बकरे मेरे को ये बेचने जी, मालूम पड़ता है कि बाद में वो उनके बकरे भी नहीं जी। और कई बार ऐसे किस्से होते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता है कि वो जेन्यून भी है कि नहीं है, वो बेच रहा। सही बात। तो मेरा तो प्रेफरेंस ये रहेगा कि अगर आप जिनको जानते हो या अगर कोई बॉम्बे से या बॉम्बे से माल खरीद रहे हो जी, जो आदमी जान पहचान का हो तो उससे पहले प्रेफर करो और उसी से खरीदो। मैम हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हमारा जो टॉक है ये कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक्स पे नज़र मारेंगे ताकि लोगों का फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स ये दो बकरों की बात की हमने इस वीडियो में, ये गुलाबी कोटा जिसके रेट के लिए आपको इमरान भाई से बात करनी पड़ेगी क्योंकि फॉर सेल अभी उनका ऐसा विचार नहीं है, पर बेच भी सकते हैं। एंड देन सेकंड ये पथीरा जो काफ़ी बड़ा बकरा है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। इमरान भाई का नंबर आप डिस्क्रिप्शन में से ले लीजिए और उनका लोकेशन भी मैं डाल दूंगा। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी पॉसिबल है बकरों के लिए, अभी हम बकरियों के वीडियोस पे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।